हेलो दोस्त, एलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 पार्ट बी क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 5 है, जिसमें हमने चार वीडियो अभी तक बना लिए हैं। और चारों वीडियो में हमने जो बात किया था उसमें सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, वैक्यूम डायोड और डिजिटल कन्वर्शन नंबर का डेसिमल हेक्सा डेसिमल में बात किया था। और यहाँ हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड बहुत बड़ा टॉपिक होता है यहाँ पे, और इसमें हमें कम से 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। और जिससे कह सकते हैं यहाँ वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। और इसमें प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 17 से शुरुआत होगा और कहे 50 तक जाएगा, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन संख्या इसमें हमारा 17 से शुरू होके 50 तक जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल इसमें 33 क्वेश्चन है, और इसी को कहते हैं। और सबसे बड़े इसमें आपको बता दूं, ये वन लाइन क्वेश्चन है, सिंपल सा है, एमसीक्यू इसमें नहीं, ऑप्शन नहीं है, आपको केवल डायरेक्ट आंसर इसमें बताएंगे। और आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, जिसमें कमेंट में आप राइट कमेंट कीजिए, जिससे काफ़ी लोगों की सहायता मिल जाएगी, क्योंकि अकेला एजुकेशन संभव नहीं है, जब तक सभी का सहयोग जरूरत है इसमें। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। बिना टाइम देरी किए हुए हम लाइन से स्ट्रेट पढ़ते जाते हैं, और आप इसका आंसर भी दे सकते हैं आपके कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले 17 का है, न्यूक्लियर मेड, किसी भी पदार्थ में न्यूक्लियर कैसे बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स का है। और ये क्योंकि हमारा सेमीकंडक्टर का टॉपिक शुरू होता है, इसलिए यहाँ से शुरू करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है, एटम ऑफ एनी एलिमेंट क्या होता है, नॉट चार्ज होता है, क्योंकि जितना प्रोटोन में क्या चार्ज होता है आपके पास पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, और कहें तो न्यूट्रॉन होता है आपका उदासीन, और तीनों का इफेक्ट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता है एक ऑटम में। अगर किसी तरह पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव, और प्रोटॉन में तो पॉजिटिव, और होल ऑटम में क्या होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। फिर कह रहा है कंडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी थ्रो कंडक्टर टेक प्लेस, किसी भी कंडक्टर में या सेमी कंडक्टर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट हो सकता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, तभी होगा। इलेक्ट्रॉन है और वो बाउंडेड है तभी नहीं होगा, उसको बाउंड को फ्री होने पड़ेगा तभी होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रिंग को आप ध्यान दीजिएगा प्योर कहते हैं, प्योर या शुद्ध कहें तो इसे आप शुद्ध भी कह सकते हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। तो पिछले प्रश्न में ये रूम टेम्परेचर का प्रश्न आ चुका है, तो रूम टेम्परेचर को आप लिखिएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में, और केल्विन में दिया रहेगा तो इसमें 273 आप जोड़ लेंगे, तब ये रूम टेम्परेचर होता है अवेलेबल फॉर। तो कह रहा है कि इसमें अवेलेबल क्या रहता है रूम टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रहते हैं, लेकिन फ्री अवस्था में करने के लिए इसको थोड़ी सी और वोल्टेज की अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर 21 नंबर प्रश्न देखेंगे तो एट रूम टेम्परेचर फिर से वही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में प्लस 273 केल्विन, अगर केल्विन में जानना चाहेंगे तब। एन टाइप मटेरियल है, अगर कह रहा है कि अगर मटेरियल में क्या एन टाइप, तो एन टाइप मटेरियल क्या होता है, इंस्ट्रिंग नहीं एक्सट्रिंसिक, यानी डोपिंग के बाद जो मटेरियल एन टाइप बनेगा उसमें क्या मोर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे, और अगर पी टाइप का मटेरियल रहेगा रूम टेम्परेचर पे तो उसमें होल ज़्यादा रहेगा। और इलेक्ट्रॉन को क्या डिनोट करते हैं, हमने पहले कर रखा है ए के माइनस, और होल को क्या डिनोट करते हैं पी के प्लस। तो ध्यान दीजिएगा ये सब बेसिक टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको आपको करना है। उसके बाद आपका 23 नंबर है प्रश्न, फिर से आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड 0 डिग्री केल्विन। अब यहाँ 0 डिग्री केल्विन किसको कहते हैं पता है आपको, 273 डिग्री क्या होता है उस पर क्या कह रहा है, और ये क्या रूम टेम्परेचर है क्या, नहीं, रूम से -70 डिग्री टेम्परेचर में, यानी 0 डिग्री कह सकते हैं सेंटीग्रेड में भी, तो क्या होगा उसमें कोई होल और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेगा कंडक्शन के लिए,
ध्यान दीजिएगा, ना होल रहेगा ना कंडक्ट रहेगा, लेकिन अगर इसे बोल दिया जाए आपको 0 डिग्री की जगह पे रूम टेम्परेचर में, तो रूम टेम्परेचर में क्या होगा, दोनों अवेलेबल रहेगा, जो हमने यहाँ पे कर रखा है इलेक्ट्रॉन ऑन होल दोनों अवेलेबल रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद अगला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्वेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और बी से वोल्ट अगर है तो उसमें कितनी एनर्जी जमा होगी, तो ये देख लीजिए 1.6 × 10^19 जूल, ये यूनिट देख लीजिएगा। कई बार इसको कूलम्ब भी कर दिया जाएगा, कोई बदल दिया जाएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस होती है, और इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 है, इन बॉन्ड बिटवीन ऑटम ऑफ सेमीकंडक्टर, किसी सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और आयरन जैसा नहीं होता, आयरन वगैरह में आपका आयरनिक बॉन्ड होता है वो होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा वीक भी नहीं कह सकते, मीडियम बॉन्ड होता है, बहुत मजबूत भी नहीं होता है और बहुत वीक भी होता है, क्योंकि वान डेर वाल्स बल होता है वो सबसे कम होता है बॉन्ड में, और कोवेलेंट मीडियम होता है। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 26 है, फोरबिडन बैंड गैप इन जर्मेनियम इन 0 डिग्री केल्विन, फोरबिडन गैप के बारे में आपको बात करेंगे, तो एफ जी से इसे कई बार डिनोट करते हैं एफ जी, और एफ जी को कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन पर कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा, और ये 0.75 है वोल्ट में। उसके बाद डोनर टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेबल इन प्रोटीन बैलेंस, कह रहा है कि किसी मटेरियल में डोनर टाइप, और डोनर टाइप को ही कई जगह आपको लिख के मिल जाएगा एन टाइप, तो एन टाइप मटेरियल क्या होता है, डोनर टाइप मटेरियल होता है, और कह रहा है कि ये कैसे बनेगा, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे जिसकी बैलेंसी क्या होनी चाहिए, तो 5 होनी चाहिए। तो सेमीकंडक्टर की मटेरियल देख सकते हैं आप, जितने भी सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसमें क्या बैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कह सकते हैं कि अगर इसमें 5 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा, जो 8 से 1 ज्यादा है, इसलिए डोनर कंडीशन में ये आ जाता है। और उसी तरह 28 में देखें तो एक्सेप्टर टाइप यानी पी टाइप, जहां भी डोनर और एक्सेप्टर मिले तो फट से हेन और पी में आप कन्वर्ट कर लें, इसको टाइम नहीं देना है। तो फॉर्मेट बाई एडिंग इम्प्योरिटी विथ बैलेंसी क्या कह रहा है, 3, तो यहाँ भी देख लें आप, अगर हमारा सेमीकंडक्टर 4 है और इसमें 3 करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, और ये 7 इलेक्ट्रॉन की जो भी परमाणु या अणु रहेगा वो, या पदार्थ रहेगा या सेमीकंडक्टर मटेरियल रहेगा, ये हमेशा 8 होने की कोशिश करेगा, और 8 होने के लिए क्या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेबिलिटी हमेशा रखता है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी, और यहाँ पे 9 है, एक त्यागने की कैपेसिटी होता है, इसलिए कहते हैं डोनर टाइप की कैपेसिटी। उसके बाद 29 है प्रश्न नंबर, डिफ्यूजन करंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो कई लोगों को पता भी नहीं है, अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में 2 टाइप से करंट फॉलो होता है, एक डिफ्यूजन से और एक ड्रिप्ट से। ड्रिप्ट वो होता है जब आप उसमें कोई पावर लगाते हैं तब उसमें से करंट फॉलो होता है, एक डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ चार्ज, कह सकते हैं कि अगर एक मेटल है आप ध्यान दीजिएगा, और मेटल में अगर हम अगर एक कहीं पे बाउंड्री या वाल्व है, जैसे पीएन जंक्शन में होता है, और इस साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इधर में बहुत कम है फ्यू है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर जाने की कोशिश करेगा, उसे बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरिज, तो इस कंडीशन में भी करंट फ्लो होगा, और उस फ्लो को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, और ये बहुत मिली या माइक्रो एम्पियर में होता है, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद अगर ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे तो ये ज्यादा होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है। उसके बाद 30 में बात करेंगे तो डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड वन डेट इज डिप्लीटेड बाई किसके द्वारा होता है, मोबाइल चार्ज से। कोई भी जंक्शन है आप इस टाइप के जंक्शन बना सकते हैं, और ये जंक्शन के दोनों साइड में क्या होता है, एक लेयर बनता है, जिस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, इस वाले एरिया को, और ये किसके द्वारा होता है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें बाउंड कर जाएगा और यहाँ से होल इसमें आ जाएगा या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये मोबाइल चार्ज मतलब घूमने फिरने वाला चार्ज, फिक्स नहीं, फिक्स
फिक्स का उल्टा होता है मोबाइल, ध्यान दीजिएगा, फोन कई लोग नहीं समझ ले, मोबाइल मतलब चालक चार्ज। उसके बाद है फिर्मी लेवर ऑफ इन स्ट्रिक्ट कंडक्टर, और फिर एफ जी की हमने बात किया था, तो ये फिक्स सेमीकंडक्टर में फिर्मी लेवल कहाँ होगा। तो सबसे पहले मैं एक बार इसे एक बार बना दिया जाए, जिससे लोगों की बार बार परेशानी नहीं होगी। और अगर इसे हम बना लेते हैं तो कोई भी मटेरियल में कुछ इस टाइप का संरचना होती है। और उसके बाद अगर कहें तो यहाँ लास्ट में एक डॉटेड लाइन होता है, इस लेवल को बोलते हैं एफ जी। और ये इंस्ट्रिक्स में अगर कोई भी प्योर मटेरियल है उसमें क्या होता है, ये सेंटर में होता है। और डोपिंग के बाद इधर है आपका कंडक्शन बैंड, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ है कंडक्शन बैंड और नीचे की तरफ है वैलेंस बैंड। तो जब आप इसे डोपिंग करेंगे, एन टाइप मटेरियल बनाएंगे, तो ये फेर्मी लेवल, ये कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड के नज़दीक आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पास आ जाएगा। और जब आप इसमें पी टाइप के मटेरियल इसे बनाएंगे, यानी ये सेक्टर बनाएंगे, तो एफ जी करीब करीब बैलेंस बैंड के आसपास आ जाएगा, जिससे करंट फ्लो आसानी से हो जाता है पी टाइप मटेरियल में भी और एन टाइप मटेरियल में भी। लेकिन एन टाइप में शिफ्ट होता है अपर साइड में और पी टाइप में शिफ्ट होता है लोअर साइड में। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा मिडिल होता है किसमें, इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर में, एन टाइप में नियरेस्ट होता है कंडक्शन बैंड और पी टाइप में होता है नियरेस्ट ऑफ बैलेंस बैंड। तो ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक को। उसके बाद 32 नंबर है, इंस्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज कैरी सेमीकंडक्टर। कह रहा है कि इंस्ट्रिंग कंडक्टर है, इसमें चार्ज कैरी कैसे होगा, चार्ज कैसे टेम्परेचर के समानुपाती होगा, अनुपाती होगा, तो टेम्परेचर के T3 अनुपात होता है, यानी टेम्परेचर 3 गुना बढ़ेगा तो आपका कंसेशन का, इंस्टिंक्ट कंसेशन की चार्ज भी 3 गुना बढ़ेगी, उस टाइप से ये काम करता है। और एक लेवल तक ये बढ़ते रहेगा जब तक उसकी सेचुरेशन लेवल नहीं आ जाए। उसके बाद बोला डायोड डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस सब लोग जानते हैं, वेरिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये होता है 1/करंट, 1/करंट, यानी आर बराबर क्या हम पहले पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिकल में, वी डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ वी गॉन है डायनेमिक के केस में, यहाँ 1 डिनोट है। करंट हमेशा रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, ये सबको पता है, बहुनुपाती होती है। उसी नियम को यहाँ मॉडिफाई करके 1/करंट लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या था 34, जिसमें कहते हैं एट हायर फॉरवर्ड वोल्टेज, अगर कोई डायोड है, जंक्शन डायोड लाइकली, उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा आगे मिल रहा है आपको जंक्शन के अक्रॉस। तो आपने डायोड ऐसे बनाएंगे तो एक साइड में आपका पी टाइप है, दूसरे टाइप पे एन होता है, और इसमें हम अगर करंट फॉलो करवा रहे हैं तो यहाँ जो करंट की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्या हो सकता है, ये जंक्शन ब्रेक, यानी जंक्शन उसमें से ब्रेक हो चुका है, जिसके कारण कह सकते हैं ये बर्न आउट हो चुका है। और करंट जो एन टाइप मटेरियल में अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली पी टाइप में फ्लो हो जा रहा है, इसलिए कहते हैं डायोड खराब हो गई है। उसके बाद डोपिंग से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोपिंग लेवल इन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड डोपिंग लेवल क्या होता है, लो मतलब कम, मीडियम साधारण जिसे कहें, और हाई बहुत ज़्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, डोपिंग मींस कहते हैं किसी भी इम्प्यूरिटी को क्या मिलाना, और इम्प्यूरिटी कितना मिलाएंगे, तो देखिए एक एक भाग शुद्ध कंडक्टर में 1 भाग इम्प्यूरिटी रहेगा, और 10^11 कंडक्टर में अगर 1 मिलाते हैं तो इसे कहते हैं बहुत लो टाइप का इम्प्यूरिटी या डोपिंग। और इसे कहीं भी आप देखिएगा तो डिनोट किया हुआ रहेगा, पी टाइप मटेरियल है तो P-, और एन टाइप मटेरियल है तो N-, ध्यान दीजिएगा। मीडियम डोपिंग कहते हैं 1:10^8 डोपिंग है, तो मीडियम है, और इससे नॉर्मल आपको पी और एन लिखा हुआ मिलेगा, कोई इस पे इंडिकेशन नहीं रहेगा। और हाईली डोपेड मटेरियल है तो वहाँ पे आपको मिलेगा P+ और N+ लिखा हुआ मिले, तो समझिए कि हाईली डोपेड डायोड है। और नॉर्मल जंक्शन डायोड बनते हैं पीएन टाइप मटेरियल से, टाइप
टनल डायोड बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, टनल डायोड, बैरेक्टर डायोड बनते हैं इस टाइप से मटेरियल से, और पिन डायोड वगैरह क्या बनते हैं, पिन और बैरेक्टर डायोड वगैरह बनते हैं कम डोपेक मटेरियल से। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो आगे काम आएगा, इक्विपमेंट पढ़ेंगे तब। उसके बाद 36 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अस्टेटिक अस्टेटिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड डिस्क्राइब किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन है जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसका इक्वेशन का वैल्यू भी होता है, अगर बुक में मिल जाए तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद 37 है, सिलिकन जर्मेनियम से ज्यादा एनर्जी बैंड गैप होता है बिकाउज, सिलिकन में जर्मेनियम से ज्यादा एनर्जी बैंड गैप क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्ड लेंथ, सिलिकन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से ज्यादा टाइट बंधे हुए हो रहते हैं, जिसके कारण से इसमें ज्यादा एनर्जी बैंड गैप होता है। उसके बाद अगला प्रश्न था 38 नंबर, जर्मेनियम ऑटम कंटेंट, तो सब लोग क्या करते हैं, प्रश्न में ये दिया हुआ रहेगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सब लोग टिक करके आएंगे और बाहर एग्जाम में बात करते हैं मैंने सही किया है। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, ये कई बार आ चुका है प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ध्यान दीजिएगा अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑटम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें जर्मेनियम में क्या होता है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां आपका ये ऑप्शन मिल जाए वर्ग वाला या ऑर्बिट वाला इसे टिक करना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से सेमीकंडक्टर है, और इसको बीबीआई में नोट कर लो, बहुत लोग गलती करते हैं, कल कुछ लोग तो कह देंगे कि डायमंड भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, फास्फोरस भी होता है, गैलेनियम ऑक्साइड भी होता है, और रेलवे में आंसर अगर कहीं मिलता है और कहीं डीएमआरसी वगैरह में भी एक्शन मिलेगा तो आपको राइट गैलेनियम ऑक्साइड मिलेगा, आर्सेनाइड मिलेगा, यहाँ ये है ये आर लिखा गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना होता है कि कैसे इसको करना है और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं बता दूं आपको। देखिए आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनाइड में 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस में 4 होते हैं, तो और गैलियम में 3 होते हैं, फास्फोरस में भी 5 होता है या 3 होता है, लेकिन 4 इसमें से किसी में नहीं होता, लेकिन गैलियम और आर्सेनाइड 5, यहाँ 3 गैलियम से 5 आर्सेनाइड से कितने हो गए 8, ध्यान दीजिएगा 8 हो गए, लेकिन ये कितने ऑटम मिलके बना है, आर्सेनाइड अलग है आपका गैलियम अलग है, तो 8/2 बैलेंसी कितनी हुई, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 4, यानी गैलियम आर्सेनाइड यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, और कहीं पे आपको मिल जाए सिलिकॉन जर्मेनियम तो सब कोई जानता है, लेकिन ये प्रश्न डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास था सिलिकॉन जर्मेनियम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज सेम, करेक्ट सिलिकॉन जर्मेनियम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन और कौन सा मेटल इसमें से है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने कई बार लोगों को बताया है कार्बन भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसकी रेसिस्टिविटी हाई होने के कारण से कंडक्टर में यूज करते हैं कार्बन मोटर, मोटर के ब्रूस वगैरह में, इसलिए ध्यान दीजिएगा कार्बन सेमीकंडक्टर मटेरियल है लेकिन यूज नहीं होता है। उसके बाद 41 नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल वेयर वेन डिनोटेड, तो ये आपने 10वीं 12वीं सब जगह पढ़ा होगा 2n^2, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेल में नहीं रह सकता है। उसके बाद 42 नंबर है, ऑटम नंबर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटॉमिक नंबर, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्रोटोनों की संख्या कितना होती है और या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन में, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये 3 प्रश्न आप कर ले, 1, 2 और 1, 3, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिलिकॉन में कितना होता है 13 और जर्मेनियम में होता है 32, तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, टी इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी टेम्परेचर कोफिशियंट इज नेगेटिव। उसके बाद कह रहे हैं कि ये प्रोसेस इज एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर, जो हमने पहले ही कर रखा है, अगर कोई भी सेमीकंडक्टर में अशुद्धि को मिलाते हैं
ध्यान दीजिएगा, अशुद्धि को मिलाते हैं तो उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, डोपिंग, उस प्रोसेस की डोपिंग बोलते हैं। और फिर कह रहा है डोपेड सेमीकंडक्टर आल्सो नावन, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा पहले हमने दो तीन प्रश्न कर रखे हैं, एनस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर को क्या बोला था मैंने, शुद्ध, लेकिन अगर डोपिंग कर दिए तो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध सेमीकंडक्टर। और पूछ दिया जाए कि अशुद्ध सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, डोपेड कंडक्टर और अशुद्ध भी कह सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड जिसे हमने सी बी की नाम दिया था, और यहाँ पे आपने देखा था कंडक्शन बैंड ऊपर होता है सबसे, तो इसमें क्या होता है, हाइयर एनर्जी देन बैलेंस बैंड। तो देख सकते हैं आपको डायग्राम में ही, नीचे की तरफ लो एनर्जी है, ऊपर की तरफ हाई एनर्जी है, बीच में गैप है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था 47, जिसमें इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, फिर से आ गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 273 डिग्री केल्विन, तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से नीचे क्या होता है, लाइक ए इंसुलेटर काम करता है, ये इंसुलेटर होता है प्योर सेमीकंडक्टर। उसके बाद 48 नंबर है, एज ए टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इंक्रीज, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज क्या होगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेसिस्टिविटी घटेगी, जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका है व्हिच इज कैनॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए सेमीकंडक्टर, या ये मोबाइल भी कह सकते हैं, क्या है, होल, होल सेमीकंडक्टर से बाहर नहीं निकलता, बाहर निकलने के लिए क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण करंट फ्लो होता है आई, होल मटेरियल में ही मौजूद रहता है, इसे ये मोबाइल भी कहते हैं। और प्रश्न संख्या लास्ट है इसमें 50 नंबर, थर्मोनिक इमेशन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम, थर्मोनिक इमेशन हमने पहले इसे वीडियो नंबर 4 में पढ़ा था, तो हाई टेम्परेचर को ही थर्मोनिक इमेशन कहते हैं, जितना टेम्परेचर मटेरियल में बढ़ाएंगे थर्मोनिक इमेशन बढ़ते जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने जो ये वीडियो में 17 से लेके 50 तक का टॉपिक कवर किया है, तो एक बार आप देख लें कि कौन कौन से टॉपिक है और कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के महत्वपूर्ण में, और मैं कम समय में इतने वीडियो को, इतने क्वेश्चन को आपको कवर किया हूँ, क्योंकि मैंने सिंगल आपको मल्टीपल क्वेश्चन में ले जाते तो थोड़ी सी और टाइम लगती। थैंक यू, धन्यवाद।